सो गाइस बात यह है कि हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दुबई के ब्लॉग जबरदस्त से आने वाले हैं। चलो जी लेट्स गो। सो गाइस हम लोग होटल पहुंच गए हैं और इस होटल में आने के लिए हम लोग जो ऊबर इस्तेमाल किए हमने दैट वाज वी पेड $61 और वो स्टैंडर्ड ऊबर थी, काफ़ी अच्छा था। आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि हम लोग शायद रेंटल कार कंपनी इस्तेमाल करें क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल करें, तो आप लोग भी रिकमेंड करें कॉमेंट्स में फटाफट के या कौन सी रेंटल कार कंपनी अच्छी है, बिकॉज बहुत सारी हम लोगों ने देखी है जिनके रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, धोखाधड़ी भी होती है यहाँ पे, उसका भी हम आपको बताएंगे किसी और टाइम। आप लोग प्लीज़ रिकमेंड करें कि कौन सी रेंटल कार कंपनी हम यहाँ पे लें जो कि रिलायबल हो, एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ऑनेस्ट हो। सो गाइस हमने सोचा कि एक रूम टूर बना लेते हैं इससे पहले कि कमरे की ऐसी तैसी हो जाए, तबाही हो जाए। तो जैसे ही हम लोग कमरे में घुसते हैं ये एक सामने मिरर आता है जबरदस्त सा और फिर ये तो दरवाजा ही आ जाता है यहाँ पे, और ये एक हैंगर का कुछ लगा हुआ है मतलब आप कपड़े लटका सकते हो, ये नीचे सेफ भी रखा हुआ है। यहाँ हमने अपने सूटकेस अभी रख दिए हैं लाके छोटे मोटे से, साथ में ये ड्रायर वगैरह रखा हुआ है, चीजें वीजे लगी हुई है यहाँ पे, आई थिंक वो वाले प्लग लगेंगे होटल वाले जो यहाँ पे दुबई के मिलते हैं। फिर अगर हम यहाँ आए तो ये है वॉशरूम, ये टॉयलेट अच्छा है देखो क्लीन है, ये शावर एरिया है इसका, शावर अच्छा है साफ है क्लीन है। इसी तरह अगर हम बेड देखें तो यहाँ पे देखो रूम अच्छे साइज का है, यहाँ पे ये क्वीन बेड है, क्वीन बेड यहाँ पे सैफी साहब बैठे हुए, यहाँ पे अयान साहब लेटे हुए, ये नॉर्मल सोफा टाइप बेड है, सिंगल बेड है तो ये है, और साथ में ये विंडो भी है जो बाहर का व्यू नजर आता है हमें। दुबई में वही सुबह हो रही है देखो, ये देखो सना साहिबा यहाँ पे खड़ी हुई है। अली भी टायर्ड हो गया था काफी, बट हमने कहा फटाफट से आपके रूम टूर कर लें, और बाकी यहाँ पे एक अच्छी सी टेबल लगी हुई है, एक साइड टेबल भी लगी हुई है गोल सी, तो यहाँ पे चाय वगैरह का कुछ पीना हो तो अच्छी स्पेस है, यहाँ पे टेबल चेयर दी हुई है, लैंप वगैरह एंड ऑल, टीवी शीवी भी है तो इसको खोल के देखेंगे थोड़ी देर में कि वर्किंग मतलब कैसी है, कौन से चैनल आते हैं कौन से नहीं आते, एंड प्लस यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कैटल, ये बहुत अच्छी चीज लगी हुई है बिकॉज अभी जैसे अली के लिए नीड है बॉटल बनाने की कॉन्स्टेंटली, तो इसमें पानी बॉइल हो सकता है, ये बहुत अच्छी चीज दे दी है। में मग्स वगैरह ग्लासेस जो बेसिक एमिनिटीज है वो सारी नजर आ रही है जो हम लोगों ने होटल्स में अक्सर एक्सपीरियंस की है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है इसमें कमी बेशी या अच्छाई या बुराई जो भी है तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट्स में बताइए। और साथ में देखो ये वार्डरोब भी है जो कि अच्छी चीज है, वार्डरोब भी एक्स्ट्रा पिलो भी रखे हुए, हैंगिंग का सामान है, ये हैंगिंग की अच्छी चीज है पूछ के देख लेंगे उनसे, आयरन पूछ के देख लेंगे, अगर क्या पता आयरन फैसिलिटी सर्विस हो, लॉन्ड्री फैसिलिटी की भी पूछना है क्योंकि जरूरत पड़ती रहेगी। और यहाँ पे देखो ये भी ड्रॉअर भी है मेकअप वगैरह का सामान रखने के लिए, छोटा मोटा सामान के लिए, एंड ये ड्रेसिंग टेबल अच्छी लग रही है। हाँ जी टीवी भी है, अमूल भी है, बाथरूम में टेलीफोन देखा था मुझे टेलीफोन जाओ देख करो, ये देखो यहाँ पे ये जो है ना ये भी है, 18 मैंने कर लिया कम रूम टेम्परेचर, इस वक्त फुल ऑन हमें एसी की जरूरत है, गर्मी हो रही है इस वक्त बाहर ठीक ठाक। ये देखो भैया हमने टेलीफोन भी डिस्कवर किया, यहाँ से अगर आप इंटरकॉम करो तो कुछ भी आ सकता है। और देखो यहाँ पे ये जो प्लग्स है ये प्रॉपर दुबई वाली प्लग्स है, तो हमें अडैप्टर की जरूरत पड़ेगी इस होटल में, सही बात है। तो हम पे बाहर जब जाएंगे तो किसी भी शॉप से अडैप्टर उठा लेंगे क्योंकि हमारे ज्यादातर कनाडा वाले हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। The next day. तो बस सुबह जो है वो हो गई है, हम लोग जाएंगे अभी नाश्ता वगैरह ढूंढेंगे, वैसे होटल की अपनी ब्रेकफास्ट सर्विस भी है जो उसमें हम रुक रहे हैं यहाँ पे, बट अभी फिलहाल हम लोगों ने फर्स्ट डे वो सर्विस नहीं ली है, शायद आगे जाके हम लेंगे। अभी फिलहाल हम नाश्ते की हंट करते हैं कितनी आसानी से मिलता है कितनी मुश्किल से मिलता है। अलजदफ में हम इस वक्त, अलजदफ जो है वो दुबई के डाउन टाउन में ही आता है, बिल्कुल बुर्ज खलीफा से सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट की ड्राइव पर है, तो इट्स क्वाइट नियर, और सिर्फ 400 मीटर पर ही हम लोगों की मेट्रो भी है, तो हम उससे ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह कर लें, एक्सपीरियंस करें उसको भी, तो वो भी आपके साथ शेयर करें। आए सबसे पहले हम नाश्ता करने चलते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, और ये है भाई हम जबरदस्त सी लिफ्ट है, बड़ी सी लिफ्ट है, और बड़ी सी लिफ्ट है, यस इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट था उससे वो डबल लिफ्ट है ये, मतलब इतनी सी लिफ्ट थी कि मतलब सूटकेस आ जाए या तो आप आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बड़ी बड़ी लिफ्ट लगी है यहाँ पे, जो दुबई एयरपोर्ट की लिफ्ट थी वो तो मैसिव लिफ्ट थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कमरा बना था। शेर साहब की तस्वीर हर जगह लगी हुई है, शेर साहब की तो भाई अगर नहीं आएंगे तो सलाम तो दो, सलाम तो उन्हें दीजिए। ठीक है जो है ना एक फवारा फटा है एक तरह से, हाँ गर्मी का फवारा एकदम जो है वो दो की हवा लगी गर्मी की जबरदस्त, क्योंकि इतने टाइम से वो
इस साल हम लोग एक्सट्रीम वेदर जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कनाडा में हमने जनवरी फरवरी के अंदर जो है -35-40 के थंडर स्टॉर्म झेले। मतलब हम लोग एडवेंचरस फैमिली है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। तो इस वक्त हम लोग +50 के अंदर जो है ना हमारी पूरी पांचों लोग टेम्परेचर झेलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि फैमिली जो है वो किस तरह खुश रह सकती है, कोप कर सकती है। मतलब फ्यूचर में हम लोगों ने रहना छोड़ दिया है, फिलहाल इस वक्त अपने प्रेजेंट में और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे होटल के अंदर भी एक कॉफी शॉप है, मगर उस कॉफी शॉप में कोई खास ऐसी चीजें नहीं है कि जो हमें समझ में आए। सिर्फ कॉफी वगैरह पी सकते हैं और बाकी तो चीजें मफिन्स वगैरह है। तो अभी हम जाए सुपरमार्केट चेक करते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है और उसके बाद फिर आगे हम नाश्ते के और खाने के ऑप्शन भी एक्सप्लोर करें। तो ये हमारा इलाका है, अलजदफ का इलाका है ये पूरा। तो मैंने ये देखा है अभी तालाबाद जो है वो मैंने टिकटॉक वगैरह पे देखा करता था या उस पे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और यूट्यूब पे आता था, तालाबाद आता था। तो ये तालाबाद जो है ये पाकिस्तान का समझ लो फूड पांडा है। तो ये फूड डिलीवरी सर्विस है, तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो है वो चीजें आ सकती हैं। वैसे मोस्टली हमारा यही प्लान है कि हम बाहर ही जाके खाया करेंगे। तो भाई आपको वेदर अपडेट करें, पहले दिन का वेदर हम लोग इस वक्त 46 डिग्री फील्स लाइक पे चल रहे हैं, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, ऑब्वियसली गर्म हवा है, ह्यूमिडिटी कम है। बट इस वक्त ह्यूमिडिटी है 63%, कराची में हम लोगों ने 85% तक भी खाई है, तो इसकी वजह से हम लोगों को इस वक्त इतनी फील नहीं हो रही है गर्मी, क्योंकि हम गर्मी प्रूफ हो चुके हैं। जैसे हम लोग कनाडा में सर्दी प्रूफ हो गए थे एक टाइम पे, अब हम गर्मी प्रूफ हो गए। पाकिस्तान की गर्मी खा के कुत्ता गर्मी खाई है और सारे काम कर रहे होते थे बगैर एसी के। एंड दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल, जब आप किसी जगह आते हो तो आदत होने शुरू हो ही जाती है। चलो सुपर मार्केट आ गया है, हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे रॉयल बे सुपर मार्केट जो बिल्कुल हमारे सामने ही है। ये सारे फूड ऑप्शन है, शावरमा है क्या? अच्छा ये रहा, अब मेन्यू चेक करते हैं इसका। तो भाई हम लोग यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन देख रहे हैं, तो काफी अच्छा मेन्यू लग रहा है। सामने बिल्कुल हमारी एक मिनट की वॉक पे बर्गर्स हैं और अगर किसी को सैंडविचेस हैं, पराठे भी हैं यहाँ पे। देखो रॉयल पराठा सैंडविच, जिंगर पराठा, खाओगे जिंगर पराठा? सब हम लोग अंदर जा रहे हैं सुपर मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे चिप्स कितने के हैं। हमारी फैमिली जिस मुल्क में जाती है, जिस शहर में जाती है, सबसे पहले जाती घुस जाते हैं सुपर मार्केट में, ग्रोसरी स्टोर में, क्योंकि भाई फैमिली है ना। क्या अयंता तुमने क्या लिया, कौन सी आइसक्रीम ली है? गैलेक्सी आइसक्रीम ली है, नाइस। ये देखो अशर यहाँ पे सैफ की डिमांड पूरी कर रहे हैं चिप्स की, एंड वही डॉलर डॉलर दिख रहे हो, दैट इज $8 के रेट में, $8 की। अशर आइसक्रीम कितने की थी? आइसक्रीम थी $8 की, $8 oh, मैं भी डॉलर बोल रही थी, $8 की थी, 8.5 दरम की थी। यहाँ पे क्योंकि सुपर मार्केट है ना ये, हाँ। जो गलियों मॉलों में सुपर मार्केटें बनी होती हैं, ऑब्वियसली होटल के पास स्पेशली तो वो महंगी होती है। एज कम्पेयर टू अगर हम कारफोर जाएंगे तो यही चीज आई थिंक चीप में मिल जाएगी, मुझे पता नहीं है बट ऐसा होता है हमारा एक्सपीरियंस। हाँ। ये देखो सामने हमारे बिल्कुल होटल की मेट्रो स्टेशन है, तो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, लाइक 400 मीटर्स की वॉक पे है। हाँ चलते हैं अंदर, क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 दरहम का शावरमा मिल रहा है। तो ये है टूरिस्ट हब का मेन्यू, आओ थोड़ा सा दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी शावरमा वगैरह ऑर्डर किया है, विच इज जस्ट 6 दरहम का है। बाकी जूसेस वगैरह भी हैं काफ़ी सारे, मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा ये, बट आप लोग बताएं कि ये रीजनेबल मतलब कितना है, किस तरह है। जो लोकल्स हैं उनको बेहतर पता होता है, जाहिर सी बात है। काफ़ी सारे ऑप्शन है, ग्रिल्ड ऑप्शन भी हैं, चावल, इंडियन ऑप्शन भी हैं। हम लोग कोई देसी खाना भी खाएंगे नहीं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी घर से काफ़ी खा के आए हुए होते हैं, सो यू विल ट्राई आउट सम डिफरेंट ऑप्शन। और एक स्पेशल चीज़ मैंने देखी है दुबई के मेन्यूज़ में के पराठा जरूर होते हैं यहाँ पे। दूसरे मैंने एक और जगह भी देखा था अभी, तो वहाँ पे पराठे सैंडविचेस थे, तो ये काफ़ी आई थिंक यहाँ की जो है वो एक स्पेशलिटी है दुबई के मेन्यूज में, ये होता है। चलो भाई हमारी चाय आ गई है, जस्ट 2 दरहम की चाय है, कैसी है? मजा आ गया। ये देखो भाई दुबई का हमारा पहला मील आ गया शावरमा। फिलहाल हम लोग जदफ के इलाके में, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो खाएं पिए उसके बाद फिर दुबई मॉल के लिए निकलेंगे। हाँ भाई ट्राई करने वाले हो तुम लोग? तो गाइस शावरमा तो मज़े का है, टेस्टी है, और इसके साथ हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती है देखो दुबई में, तो ये छोटी छोटी सैलेड आके देखेंगे इसको भी। बाकी हमें मिला है इसके साथ केचप, तो ठीक है गुड। A few inches later. ये देखो यहाँ सब क्या देख रहे हैं, होटल को चेकआउट करना है, वीडियोस देखो।
गए थे सफारी करने रेगिस्तान में आ गए हैं, मजाक कर रही हूँ, हम कोई रेगिस्तान में नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग अभी ये कार पा गए छोटा सा, तो इस पर मिट्टी थी, तो अभी हम लोग होटल से निकले, छोटा सा ब्रेक लेके क्योंकि बच्चों को सेटल करना होता है थोड़ा सा। अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो की तरफ और वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। अच्छा, हवा यहाँ पे हल्की हल्की चल रही है, गर्मी है बट इतनी बेयरेबल है, स्पेशली जो लोग कराची से आ रहे होंगे आसानी से तो वॉक कर सकते हैं, तो हम लोग भी करते हुए जा रहे हैं वॉक ईजली। क्या ठंडा हो रहा है, जबरदस्त ठंडा हो रहा है, हम लोग इस वक्त यहाँ पे अल जदफ में। चलो खलीफा जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल परसों में जाएंगे। ये अंदर जो ट्रेन स्टेशन के फ्री वाईफाई भी है यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो टिकट ऑफिस भी है, एक पीछे जो है वो बना हुआ है वहाँ पे टिकट ऑफिस है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और यहाँ पे टिकट्स की मशीन्स लगी हुई हैं कि आपको नॉल कार्ड लेना है या आपको सिंगल जर्नी टिकट लेना है, हर तरह की चीज़ें जैसे इटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती थी वो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं। और यही चीज़ें टोरंटो के अंदर भी हैं, सिर्फ टोरंटो का जो एरिया होता है वहाँ पे होती हैं, मतलब और हर जगह नहीं है। अब हम दुबई की मेट्रो को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने के टिकट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप कितने में बजट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्यों भाई, टू पे नाउ, सही है। अब आप इसमें आपका कैश करो, क्रेडिट कार्ड करो या नॉन कार्ड करो। अब आप इसमें नंबर ऑफ नॉन कार्ड, लेट सपोज आपने 3 नॉन कार्ड देने हैं तो हमारे आएंगे 75 दिरहम्स के। सो मेट्रो ऐप, मेट्रो मैप की जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप, मतलब आप लगाओगे लोकेशन कि आपको कहाँ से जाना है, वेयर फ्रॉम, और फिर फ्रॉम कहाँ जाना है। तो हमने लगाया था कि अलजदफ से हमें जाना है बुर्ज खलीफा, बुर्जुमान के ऊपर जो है वो रेड लाइन चलेगी और यहाँ पे मतलब चेंज कर सकते हो, फिर बुर्जुमान पे चेंज करके हम लोग चले जाएंगे बुर्ज खलीफा, जो दुबई मॉल की मेट्रो होती है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड है आई थिंक उनकी, या ऊपर की साइड पे मुझे याद नहीं रहा, बहुत पहले आया था, तो वहाँ चले जाएंगे। और एक मेट्रो चेंज करनी है, जैसे हम लोग सिडनी में भी किया करते थे, टोरंटो में भी थोड़ा बहुत हमने किया, बहुत एक दो दफा ही बैठे हैं, ज्यादा नहीं बैठे, बट सिडनी में तो हमने 10 साल यूज किए। तो अब हम जा रहे हैं, इसका जो नॉल कार्ड आता है वो आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 दिरहम का आता है फर्स्ट टाइम के लिए, तो 6 दिरहम का जो होता है वो कार्ड होता है इटसेल्फ, और 19 दिरहम का जो है वो उसमें बैलेंस पड़ा हुआ होता है। अब वो बैलेंस इस्तेमाल होगा कितने हिसाब से, पीक टाइम है, ऑफ टाइम है, क्या है क्या नहीं है, वो हम जब एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं। ग्रीन जोन से रेड जोन तक का हम सफर करेंगे। और फेयर कितना लगेगा इसमें लिखा हुआ है क्या? नहीं, फेयर नहीं। तो अब हम लोग जब टैप करेंगे तो पता चलेगा, जब टैप करेंगे तो वहीं पे पता चलेगा। हमारा एक्सपीरियंस अभी ट्रेन का रहा है दुबई की मेट्रो से, हमें सिडनी की ट्रेन स्टेशन से याद आ गया, और सिडनी की पूरी जो ट्रेन लाइन थी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और बहुत अच्छा जो है वो सिस्टम होता है ट्रेन का, तो यहाँ पे भी हमने वही एक्सपीरियंस किया, टाइम पे आना, वो सब चीज़ें। एंड एक्सेसिबल बहुत है, प्रैम फ्रेंडली है, बेहतरीन है, ना ऊपर नीचे कोई जो है वो उसमें प्लेटफॉर्म नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी आसान है, तो सेम प्लेटफॉर्म लेयर है तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो हम लोग को ट्रैवल करने में आसानी होती है। बाकी यहाँ पे कस्टमर सर्विस स्टाफ भी अच्छा है ना, बताया मैंने कुछ नीचे जाना है, मुझे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कस्टमर सर्विस स्टाफ या सिक्योरिटी यहाँ पे खड़े हुए उनसे पूछ लें, आपको बता देंगे। जैसे ऐशा ने पूछा तो हमें पता चल गया कि हमें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है दुबई मॉल की ट्रेन पकड़ने के लिए। सर, ये जी पी ग्रीन टी और ये रेड टी, हम लोगों ने रेड टी दबाया है तो हमें रेड लाइन पे जाना है। द नेक्स्ट स्टेशन इज बुर्ज खलीफा दुबई। अब ये पता नहीं आबो हवा की बात है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो पाकिस्तानी भी होते हैं ना यहाँ पे, अगर दुबई की बात करूँ, अभी मेरा फर्स्ट डे ही है, तो जो है वो लोग एक दूसरे को रास्ता दे रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं आप चले जाएं, इंतज़ार कर रहे हैं, पेशेंस है लोगों के अंदर, काश कि ये पेशेंस जो है वो हमारे पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान के अंदर आ जाए। पाकिस्तानियों में पूरी दुनिया के अंदर होता है,
मतलब सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के, पता नहीं मगर ऐसे ही हुआ। मैं जब लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे तो एक बंदा पाकिस्तानी था, तो उसने कहा आप चले जाएं पहले, बट हमारे साथ स्ट्रॉलर वगैरह होता है, माशाल्लाह बड़ी फैमिली होती है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली कर्टेसी तो यहाँ पे वाकई लोगों के अंदर आ ही जाती है वक्त के साथ साथ, एंड तमाम मुल्कों में ऐसे ही होता है। सो इट्स गुड टू सी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे सॉरी थैंक यू सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दुबई मॉल का, हसन है जो है वो गलत जगह लेके जा रही थी हमें, पता नहीं कहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दुबई मॉल। हाँ मैं लोकल हूँ ना, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अगर मैं वाकई में बात करूँ 2 घंटे की फ्लाइट से लेके अब तक की, मतलब जो फ्लाइट हमने कराची से पकड़ी पाकिस्तान से, और 2 घंटे की फ्लाइट में पूरी दुनिया जो है वो आगे चली गई, मतलब आई थिंक 2-3 हज़ार साल तो आगे चली ही गई है ऑलरेडी। मतलब क्या बात है यार, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्या सिस्टम बनाया हुआ है, क्या मेट्रो का सिस्टम है, हर चीज़, मतलब 2-2 मिनट में मेट्रो जा रही है। इसके आगे तो मुझे ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा दोनों की जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना कचरे लगते हैं। ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बल्कि जो सफाई है यहाँ पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना साफ है, इतना क्लीन और बिल्कुल मॉडर्न है। क्योंकि कनाडा में स्पेशली मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ सड़कें बहुत टूटी हुई होती हैं बिकॉज बर्फ वगैरह होती है शायद, इसलिए वो तो फिर यहाँ पे भी तो +50 में जाता है, तो फिर उन्होंने भी तो मेंटेन किया हुआ है ना, मतलब दुबई ने मेंटेन किया हुआ है इस चीज को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की सफाई वाकई, मतलब मैंने जो मेंटेन किया है ना, दैट इज कमेंडेबल। लोगों का जम में रफी आया हुआ है, इतने सारे लोग, क्योंकि ट्रेन हर वक्त 2-2 मिनट में आती रहती है, तो हर वक्त पीछे से वो आता रहता है। तो बहुत मल्टी कल्चरल दुबई और यहाँ आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त फर्स्ट डे पे, बहुत ही अच्छा डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे आके, तो डेफिनेटली वर्थ इट विजिट करना। अच्छा मैं दिखा दूँ तुझे बुर्ज खलीफा, ये तो बड़ा छोटा कारण लग रहा है मुझे। ये दुबई मॉल का स्टेशन इतना लंबा है, लग रहा है इसे हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, इतना लंबा चलते चले जा रहे हैं। मगर इट्स गुड कि अंदर इतने अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं, आपको वॉकिंग करने में बहुत मजा आता है इंडोर। देखो यार इस टाइम पे भी जो है वो दुबई के हॉटेस्ट डेज चल रहे हैं आजकल, समर टाइम है और इस टाइम पे भी कितनी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। ठीक है बनाए भाई यहाँ पे शेख साहब और उनकी बेगम, शेख साहब भी जो है वो हमारी तरह अपनी बेगम को लिए लिए हर जगह घूमते रहते हैं, यहाँ पे भी जो है ना शेख साहब बने हुए, हम भी अपनी बेगम को लिए लिए घूमते रहते हैं। आप जो है वो मेरी तरह अगर हो और सफर इसी तरह मतलब करते हो बेगम को लेके, मतलब सफर का मतलब समझ जाओ ना सफर, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन कौन अपनी बेगम को लेके सफर करता है, मतलब सफर से मतलब सही है ना। हाँ, सही कह रहे हैं, मुझे तो ये हैरत होती है एक बीवी के साथ कैसे बना लिया, एक ही करीबी के। अब वो यहाँ पे एक है ना, और दूसरी साइड में दूसरी होंगी शेख साहब, यार उनको क्या है, उनके कितने कुएं होंगे माशाल्लाह से, एक उसको दे दिया मतलब तेल के कुएं हैं, तो तेल के उनके कुएं होंगे, तो कभी कोई किसी को दे दिया कुछ, किसी को दे दिया कुछ, गोल्ड की कार दे दी, ये दे दिया वो दे दिया, भाई बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें हैं भाई, एक क्या 4-4 अफोर्ड कर सकते हो तुम तो।